हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभ्युदय, अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे लास्ट 100 डेज प्लान टू स्कोर 650 प्लस मार्क्स इन नीट यूजी 2022। आपका अभी जो 100 डेज बचे हुए हैं, 17th ऑफ जुलाई को जो पेपर होने वाला है, आपका क्या प्लान होना चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। अच्छे मार्क्स मतलब 650 प्लस। अब मैं 650 प्लस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इससे 700 भी ला सकते हो अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो, या अगर आप में अभी तक आप में कोई कमी रही है तो आप 650 तक भी पहुंच सकते हो। ये मत सोचना यार कि अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आगे 3 महीने पढ़ने से भी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है, 3 महीने में आप बहुत कुछ चेंज ला सकते हो। पहले 3 महीने आप पढ़कर देखो तो ठीक है, पहले आप 3 महीने तक पढ़ के देखो, उसके बाद आप देखना कि आपका चेंज आता है कि नहीं आता है। ठीक है, सो डोंट बी डिमोटिवेटेड कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आगे कुछ नहीं हो पाएगा। और बाकी उनके लिए जो अभी तक 1.5 साल 2 साल से कंटिन्यूअसली मेहनत करते आ रहे थे, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप अपने 3 महीने में अपने उस जो मेहनत आपने की है उसको कंसोलिडेट करो, अपने चीज़ों पर ट्रस्ट करो कि जो आपने मेहनत की है वो बेकार नहीं जाने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट 100 डेज प्लान टू स्कोर 650 प्लस मार्क्स। मायसेल्फ अभ्युदय सिंह, आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली। चलो तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल डिवाइड आवर 100 डेज इनटू 30 30 30 10। हम क्या करेंगे इसको 30 30 30 10 में बांट लेंगे। हम फर्स्ट 30 मतलब कि 10th ऑफ अप्रैल की अगर मैं बात करूं, आज 9th ऑफ अप्रैल है, अगर मैं कल की बात करूं 10th ऑफ अप्रैल से 10th ऑफ मई तक, इनमें हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट 30 डेज में हमें क्या करना चाहिए। पहली चीज जो हमें करनी चाहिए दैट इज सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, सिलेबस कंप्लीशन पे। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो अभी आपको क्या क्या करना है, अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, वो क्या करें, अपने वीक टॉपिक्स पे वर्क करें। क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं होता जिसके 700 या 720 नंबर आ रहे होंगे आराम से। ठीक है, 720 नंबर तो किसी के नहीं आ रहे होंगे, और आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके 600 या 550 भी नहीं आ रहे होंगे, बट दे फील कि उनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो उनको क्या करना है, अपने वीक टॉपिक्स को फाइंड करना है और उन पर वर्क करना है। थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है, नो न्यू थिंग्स। अभी तक आपने जो 2 साल 1.5 साल 1 साल में जो चीजें पढ़ी हैं वही मटेरियल्स का यूज करना है, कोई भी नई चीज पढ़ने मत लग जाना। ठीक है, फोर्थ थिंग, अभी आपको पार्ट सिलेबस टेस्ट देने हैं, अभी आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। क्यों नहीं देने हैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी आप सिलेबस कंप्लीशन पे वर्क कर रहे हो, अभी आप अपने वीक टॉपिक्स पे वर्क कर रहे हो। अगर आपके पार्ट सिलेबस टेस्ट में नंबर आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके फुल सिलेबस टेस्ट में भी नंबर आ जाएंगे। अभी आप क्या करो, अपने पार्ट्स पे फोकस करो, एनालाइज करो अपने आपको कि आपका कौन सा पार्ट वीक रह गया है। ठीक है, सो फर्स्ट फोकस ऑन पार्ट सिलेबस टेस्ट, अभी आप फुल सिलेबस टेस्ट पे फोकस मत करो। ठीक है, देन साथ ही साथ मैं बता दूं अनअकैडमी पे आप मास्टर्स PYQs के थ्रू भी रिवाइज कर सकते हो, रिवाइज फॉर नीट UG विद अनअकैडमी मास्टर्स PYQs। आपको पता है कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नीट की प्रिपरेशन में, तो आप अनअकैडमी मास्टर्स PYQs के थ्रू PYQs रिवाइज कर सकते हो। 15 ईयर का टॉपिक वाइज आप टेस्ट ले सकते हो, देन टेस्ट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड गेट एन ऑल इंडिया रैंक। इनरोल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरा कोड यूज करना है जो कि है अभ्युदय10। ठीक है, साथ ही साथ आपके अनअकैडमी जो है वो ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। अनअकैडमी स्टोर इज ओपनिंग इन जयपुर ऑन 9th ऑफ 10th अप्रैल। ठीक है, सो जयपुर के जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वहां पर अनअकैडमी स्टोर ओपन हो रहा है, तो आप वहां पर जा सकते हो। देन व्हाट वी हैव, नीट UG कॉम्बैट अप्रैल 10 2022 11 AM को, इसके थ्रू आप स्कॉलरशिप पा सकते हो अनअकैडमी की। इस पेपर में 28 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट का पेपर होता है। ठीक है, सो एक बार आप इनको ट्राई कर सकते हो। इनरोल करने के लिए आप वही सेम कोड मेरा यूज कर सकते हो, That is अभ्युदय10। ठीक है, बाकी आप मुझको भी अनअकैडमी पे देख सकते हो, मैं भी अनअकैडमी पे पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, 30। अगले 30 दिन क्या करना है, तो आप 10th अप्रैल से 10th मई तक आपने क्या किया, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, अपने वीक टॉपिक्स पे फोकस कर लिया। तो अब इसके बाद क्या होगा, 10 मई को आपको फील होगा कि हाँ चलो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जिन बच्चों का सिलेबस अभी कंप्लीट है उनको लगेगा कि हाँ मेरे वीक टॉपिक्स हो गए हैं, अब मेरे सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट स्ट्रांग है, हमने पार्ट सिलेबस टेस्ट देके भी देख लिया है, अगर हमारा कोई सब्जेक्ट टॉपिक वीक था तो हमने उसको स्ट्रांग कर लिया है, और हमको स्टडी मटेरियल्स डिफाइन हो चुके हैं कि पढ़ना क्या है। अब आपको क्या करना है, अगले 30 दिन 11 मई से लेकर 10 जून तक आपको मॉक टेस्ट देना है, बहुत सारा फुल मॉक टेस्ट देना है। अभी तक आप फुल मॉक टेस्ट नहीं दे रहे थे 10 मई तक, बट आपको 10-11 मई से फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। अभी आपको मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं रखनी है, अभी आपको 1 डे 1 पर डे
ठीक है, एक मॉक टेस्ट पर डे चलेगा, काफी है, वन मॉक टेस्ट पर डे काफी है। उस मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस करोगे और उसकी आप मॉक कॉपी बनाओगे। मॉक टेस्ट कॉपी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मेरी खुद की, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि मॉक टेस्ट कॉपी कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है और कैसे बनाते हैं। ठीक है, एनालिसिस जरूर करना मॉक टेस्ट की, देखना कि क्वेश्चन कहां से गलत हुआ है और किस टॉपिक से गलत हुआ है। उसके बाद अपनी मिस्टेक्स को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या गलतियां कर रहे हो पेपर में, यू हैव टू रियलाइज दिस इन वन मंथ। यही एक महीना होता है जो जहां पे बच्चों को अपनी गलतियां रियलाइज करनी चाहिए। अगर यहां पे गलती रियलाइज नहीं करोगे यार, तो फिर बाद में नहीं कर पाओगे। ठीक है, जो लास्ट सेकेंड मंथ होता है, दिस इज द मंथ जहां पर आपको अपनी मॉक टेस्ट की गलतियां रियलाइज करने का समय होता है। ये तो हो गया, आप एक मॉक टेस्ट दोगे दिन में, पर एक मॉक टेस्ट देना मतलब क्या हुआ, वन मॉक टेस्ट का मतलब हुआ तीन घंटे हुए। उसके बाद मान लो एनालिसिस में आपको लग गए एक घंटे, आपको अपनी मॉक कॉपी बनाने में एक घंटे लग गए डेली के, तो भी आप पांच घंटे हुए। बट लास्ट टाइम में आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, 12 से 13 घंटे। तो अब आप सोच रहे होगे भैया 7 से 8 घंटे में क्या करेंगे। आपको एक सेपरेट रिवीजन करना है, फुल सेपरेट रिवीजन, आपको सेपरेट रिवीजन करते रहना है, आपको पूरा एक बार फिर से रिवाइज करना है। यहां पर आपने सिलेबस कंप्लीट किया, अगले मंथ में आप एक बार फिर से पूरा सेपरेट रिवीजन करोगे। सो अभी हमने क्या देखा, 10 अप्रैल से 10 मई तक आपने पूरा देख लिया, 11 मई से 10 जून तक आपने देख लिया क्योंकि करना क्या क्या चीजें हैं। और आई गारंटी यू, अगर आप ये करोगे तो 650 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गया है, 650 प्लस मार्क्स तो आपका पक्का आना ही आना है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप एम्स भी आ सकते हो। ठीक है, मैंने खुद ये चीजें की थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देन हम बताते हैं कि 11 जून से 10 जुलाई तक क्या करना है। ठीक है, 11th of June to 10th July तक, विच इज द लास्ट मंथ। ठीक है, सो अभी आपको अपने मॉक पेपर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। क्या करना है, अपने मॉक पेपर की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज्यादा बढ़ा देना है। अभी आप क्या कर रहे थे, एक मॉक पेपर दे रहे थे ना, वन मॉक पेपर दे रहे थे पिछले मंथ में पर डे, बट अब आपको एक मॉक पेपर से काम ना चलेगा, नहीं चलेगा। कितने मॉक पेपर देने हैं, अब आपको देने हैं कम से कम 2 से 3 मॉक पेपर डेली। उनकी मॉक कॉपी में उनकी मिस्टेक्स लिखनी है, और इसमें इस महीने में आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। मॉक कॉपी की, मॉक पेपर्स में जो आपकी मिस्टेक्स हो रहे हैं उन पे ध्यान दो, उन टॉपिक्स को जाके एनसीईआरटी से अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट से पढ़ लो, और आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई सेपरेट रिवीजन नहीं करना है। क्या टाइम ही नहीं बचेगा ना, मैं रियलिस्टिक प्लान दे रहा हूं, कैसे टाइम बचेगा। अगर मैं कह दूं 3 मॉक टेस्ट दो और सेपरेट रिवीजन भी करो तो टाइम ही नहीं बचेगा, कैसे करोगे। 3 मॉक टेस्ट देने में आपका टाइम चला जाएगा 10 से 11 घंटे, फिर उसके बाद तो नहीं पढ़ पाओगे ना, 12 घंटे से ज्यादा तो कोई नहीं पढ़ सकता। इवन अगर लास्ट मंथ है नीट का, तो ये थोड़ी है कि आप 18 घंटे पढ़ पाओगे, नेवर, इट्स नेवर गोइंग टू बी हैपन। सो आई एम गिविंग यू अ रियलिस्टिक प्लान। ठीक है, अब आते हैं कि भैया ये 10 दिन में क्या करेंगे, वॉट टू डू इन दिस 10 डेज, ये 10 दिन आपने क्यों छोड़े थे। तो देखो, ये जो लास्ट वीक होता है ना, इसमें आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताओ आपने कितने पेपर दे दिए। यहाँ पे आपने कम से कम 60 पेपर दिए 30 दिन में, उसके पहले भी आपने 30 पेपर दिए, तो 90 से 100 मॉक पेपर आप दे दोगे। अगर आप अच्छे से देते हो, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो, तो आप 90 to 100 फुल मॉक पेपर दे दोगे। इसका मतलब हुआ 18,000 क्वेश्चन। चलो 18,000 छोड़ दो, 20,000 छोड़ दो, 15,000 तो एटलीस्ट करोगे ना, 15,000 क्वेश्चन तुमने मॉक पेपर में प्रैक्टिस किया। तो 15,000 क्वेश्चन करने के बाद यू विल नेवर फील कि यार मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है, यू विल फील कि मैं चीजें भूल जाता हूं। तो तुम्हें क्या करना है, एक फुल रिवीजन करना है लास्ट वीक में, और फुल रिवीजन एक वीक में हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एक तो फटी पड़ी होगी, नीट का पेपर आ रहा होगा, एंड द सेकंड थिंग कि आप पहले एक बार रिवीजन कर चुके हो, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, इतने मॉक पेपर्स दे चुके हो, यू नो कि सब चीजें कहां कहां दी हुई, तो आप जल्दी से कर लोगे। और मॉक टेस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आखिरी हफ्ते में नीट के आपको मॉक टेस्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो ये है मेरा फुल प्लान आपके लिए, आपका 100 डेज प्लान अभी से नीट के पेपर तक क्या होना चाहिए। And I am sure कि अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यू विल स्कोर 650 प्लस मार्क्स फॉर श्योर। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और हाँ चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलो ओके, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।